आज की वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो 1080 पिक्सल पे वीडियो एडिट करना चाहते हैं लेकिन उनकी हो नहीं पाती, वो 720 की एडिट करके रखते हैं या यूट्यूब पे या किसी भी चीज़ पे अपलोड करते हैं। तो सिंपली ये वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए है और आप ध्यान से देखिए। और मैं आज जो एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा वो बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार एक ऐड देखना है या शायद दो बार देखना पड़ जाए। उसके अलावा इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है और आप इससे फ्री में वीडियो एडिट कर सकते हैं, वो भी 1080 पिक्सल के साथ, और वो भी सारे फीचर्स हैं इसमें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोल लेना है और प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको यहाँ पर इनशूट डालना है। देखिए ये पहले ही आ गया है टॉप पे, तो आपको इसको ओपन करना है। जैसे कि मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है, और आप इसको डाउनलोड कर लेना, फिर उसके बाद में आपके पास भी ओपन का आ जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको अगर फोटोज़ एडिट करने हैं तो फोटोज़ पे करिए, वीडियो एडिट करना है तो वीडियो पे करिए, और कोलार्ज बनाना है तो कोलार्ज पे करिए। मैं आपको वीडियो का बता रहा हूँ तो वीडियो पे कर देंगे आप, और करने के बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपके मोबाइल की वीडियोज़ खुल जाएंगी। तो सिंपली मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर ली है, और सेलेक्ट करने के बाद अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे एडिट करेंगे क्या है, और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक भी दे दूंगा जो मैंने इससे एडिट कर रखी हैं, जो 1080 पिक्सल की वीडियो हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। और मैं वो भी वीडियो दे दूंगा जो मैं किसी और सॉफ्टवेयर से बनाता था तो उसमें 720 का पिक्सल आता था, तो आप वो भी देख लीजिएगा और दोनों को कंपेयर करके देखिएगा कि कितना डिफरेंट है। तो चलिए अब मैं आपको इसके फ्यूचर के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ट्रिम मिल जाता है जिसमें आपको इसकी जो क्लिप है इसको काटने के लिए ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए मैं अभी इतना इसको काट देता हूँ, या आगे से मैं इसको इतना काट देता हूँ और राइट कर देता हूँ, तो ये मेरी क्लिप इतना कट गया है। तो दूसरा ऑप्शन आपको कैनवस मिल जाता है, मतलब वीडियो के रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसका रेशियो चेंज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मुझे यूट्यूब के लिए रखना है तो मैं यूट्यूब का, देखिए ऐसा हो जाएगा। इंस्टाग्राम ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ से आप रेशियो बदल सकते हैं अपने, आपको जिस तरीके का चाहिए आप उस तरीके का रख सकते हैं। मैं इसमें नो फ्रेम कर देता हूँ। आगे आपको मिल जाता है फिल्टर। फिल्टर में आप देख सकते हैं वीडियो को, जैसे कि हम फोटो को चेंज करते हैं फोटो में फिल्टर लगाते हैं, ऐसे ही वीडियो में भी हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसे हैं जिनमें चार्ज लगेगा तो आप उनको मत यूज़ करिएगा, क्योंकि उसमें पहले से ही जो फ्री वाले हैं वो भी कुछ बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई ख़राब नहीं है। इसमें इफेक्ट्स भी हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आप इफेक्ट्स या जो फिल्टर आप लगाएंगे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, आप चेक कर सकते हैं इसमें पूरे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना करते हुए, इसमें नो कर देते हैं। आगे आ जाता है फ्रेंड्स हमारा म्यूजिक, जो कि हम म्यूजिक लगा सकते हैं, ये सारे इसमें दे रखे होते हैं। अगर आप इसमें से लगाना चाहते हैं इसमें से लगा सकते हैं, नहीं तो आप माई म्यूजिक पे जाके अपना म्यूजिक लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी मैंने म्यूजिक लगा दिया है आप, और अब इसका आवाज़ को कम ज़्यादा कैसे करना है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आप ये देख सकते हैं प्योर म्यूजिक है, म्यूजिक को हम यहाँ से काट सकते हैं और यहाँ से हम इसकी साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फेड इन फेड आउट भी कर सकते हैं, और अगर आप जब पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे, मतलब एकदम फिट एडजस्ट कर लेंगे, तो आप इसको सिंपली राइट मार दीजिएगा, मतलब राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। और अगर आपको म्यूजिक को आगे पीछे करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको वीडियो में यहाँ से लगाना है जहाँ पर मैंने अभी वाइट लाइन कर रखी है, तो आप इसको पकड़िएगा अपने म्यूजिक को और पकड़ के आप आगे कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको राइट कर देते हैं,
राइट करने के बाद आपको आगे ऑप्शन मिलता है स्टिकर का, तो स्टिकर में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला कि अगर आप इस पर कोई फ़ोटोज़ वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गैलरी पे क्लिक करके इसमें फ़ोटो लगा सकते हैं, मतलब वीडियो के ऊपर कोई सी भी लेयर लगा सकते हैं। और दूसरा आप स्टिकर्स लगा सकते हैं, तो मैं आपको स्टिकर्स एक लगा के बताता हूँ, एक या दो लगा के बताता हूँ। जैसे पहले रिकॉर्डिंग का लगा देता हूँ मैं, और दूसरा सब्सक्राइब का लगा देता हूँ, और आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके बाद मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, राइट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि अभी ये सब्सक्राइब का मैंने कर दिया है और यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग का कर दिया है, तो मैं राइट पर क्लिक करता हूँ। तो अभी मैं आपको वीडियो को थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। मैं साउंड इसका बंद कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से वीडियो बनते हुए दिखे, मतलब मेरा वॉइस अच्छे से आपको सुनाई दे। देखिए आप देख सकते हैं सब्सक्राइब भी आ रहा है नीचे और ऊपर, अभी रिकॉर्ड भी का भी सिंबल आया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट के पास। तो टेक्स्ट में दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने हेलो फ्रेंड्स लिख देता हूँ, और यहाँ से आप कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ब्लैक ले लिया, और यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मैंने ये स्टाइल ले लिया। यहाँ से आप इसमें स्टाइल लगा सकते हैं कि वो कैसे आएगा, राइट आएगा, लेफ्ट आएगा, जूम करके आएगा, तो ये चीज़ भी आप इसमें देख सकते हैं इसमें राइट करने के बाद में, और आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम वीडियो चला के दिखाते हैं आपको। ये देखिए जैसे हेलो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ आ गया है, और इसके आगे आपको ऑप्शन मिलता है स्पीड का। तो स्पीड में दोस्तों जो हम बोल रहे हैं प्लस जो हमारी वीडियो चल रही है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको राइट कर देता हूँ, आप देखिए वीडियो कितना स्पीड में चलेगा। आगे ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। तो दोस्तों बैकग्राउंड जब चेंज होता है, जब इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड लगा हो या हम लगाते हैं, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, और आपको क्रॉप भी कर सकते हैं, और रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप का मैं आपको बता देता हूँ, फ्लिप का होता है इधर से राइट से लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट से राइट हो जाता है, आप देख सकते हैं। और रोटेट का सिंपली आपको पता है, क्रॉप का ही पता है, इसलिए मैं ये दोनों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ बताने से क्या होता है वीडियो बड़ा भी हो जाता है, फिर मतलब देखने में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये था इनशूट, और अच्छा है, और अभी मैं आपको इसको एक्सप्लोर करके भी दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कितना कितना पिक्सल का इसमें एक्सप्लोर होगा। तो मैंने सेव पे करा, सेव पे करने के बाद फिर मैंने सेव पे करा, और सेव पे करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास क्वालिटी के लिए आ गया है कि मुझे 640 पिक्सल चाहिए, 720 चाहिए, या 1080 पिक्सल चाहिए, या 360 पिक्सल चाहिए। तो मैं 1080 पे करूँगा, और आप अभी देखिएगा एक्सप्लोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक दो ऐड दिखाता है, तो एक दो ऐड में हमारा कुछ नहीं जाता है, लेकिन है तो फ्री। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ मेरी वीडियो कन्वर्टिंग हो रही है, फ्रेंड्स वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है, वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है तो टाइम भी ले लेता है एक्सप्लोर होने में, और छोटी होती है तो जल्दी भी हो जाता है जैसे आपने देखा। तो अभी मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ। तो मैं एक बार साउंड भी खोल के दिखाता हूँ आपको। तो आपने देखा जैसे कि मैंने स्पीड बढ़ा दिया था वीडियो में, तो वो कितना जल्दी जल्दी बोल रहा है, और सारा कुछ जो मैंने इसमें लगाया था वो सारा कुछ लगा है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करिए, और एकदम फ्री है। अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाते हो, तो आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करिए, इसमें सारे फीचर्स हैं, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से कर सकते हैं।